हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और ये पैसेज पूछा गया था IBPS SO एग्ज़ाम 2017 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पैसेज है, इन सभी एग्जाम्स के लिए पैसेज इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको आपको अप्रोच करना है, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकें और एक्यूरेसी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज को। देखिए, काफ़ी लेंदी ये पैसेज है और मैंने अलग अलग स्लाइड्स में इसको डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक स्लाइड में इसको रखना पॉसिबल नहीं था। देखिए, इतना लंबा ये पैसेज है और यहाँ से इसमें क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज को पढ़ते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी हर समय इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चंस में, वो कभी कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं। जैसे बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पूरे पैसेज को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक स्ट्रेटजी इसमें मैं बता सकता हूँ कि जैसे कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पार्ट्स को बोल्ड किया गया है। जैसे माउंटिंग एक वर्ड है, इसको इसको बोल्ड किया गया है। और पूरे पैसेज में कहीं पर भी इस तरह के बोल्ड पार्ट आपको दिखते हैं, जिसमें एक वर्ड को या एक फ्रेज को या एक इडियम को बोल्ड किया गया है, तो उसके बेसिस पर जरूर जरूर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक माउंटिंग वर्ड दिया है, और यहाँ पर और मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर इसमें वर्ड दिए हैं। जैसे ब्लिप्स एक वर्ड दिया है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको आपको बोल्ड करके दिया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वैन गार्ड एक वर्ड दिया है, बीच में दिया है वैन गार्ड, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको बोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इसको करने का सही तरीका ये है कि इसको तेजी से आप पढ़ें, फास्ट रीडिंग इसमें चाहिए। और फास्ट रीडिंग आएगी जब आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करेंगे, ठीक है? जब आप रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करेंगे तो पैसेज का मतलब भी आपको समझ में आने लगेगा और उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझ में आने लगेगा। वोकेबलरी का जो मीनिंग है वो आप कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे वर्ड्स सभी लोगों को नहीं आ सकते, तो कॉन्टेक्स्ट से उस वर्ड का मीनिंग निकालना आपको जरूरी है। अब देखिए, यहां पर ये डायरेक्शंस दिए हैं और यहां से ये पैसेज स्टार्ट है। ब्रिटेन इज पुशिंग अहेड विद टेस्ट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन पब्लिक रोड्स डिस्पाइट माउंटिंग पब्लिक कंसर्न ओवर सेफ्टी आफ्टर ए पेडेस्ट्रियन वाज किल्ड बाय वन इन द यूएस। देखिए, इसका क्या मतलब है कि ब्रिटेन जो है वो ड्राइवरलेस कार को पुश कर रहा है, मतलब उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहा है और उसको काफी प्रमोट कर रहा है। किसके बावजूद? डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, डिस्पाइट माउंटिंग पब्लिक कंसर्न, चूंकि पब्लिक का कंसर्न आ रहा है, पब्लिक चिंतित है, ठीक है? इसके बावजूद भी ब्रिटेन जो है वो ड्राइवरलेस कार को प्रमोट कर रहा है। पब्लिक का कंसर्न क्यों आ रहा है? क्योंकि पब्लिक कंसर्न ओवर सेफ्टी आफ्टर अ पेडेस्ट्रियन वॉज किल्ड बाय वन इन द यूएस। इस तरह की कार से, एक ड्राइवरलेस कार से यूएस में एक व्यक्ति मारा गया, तो इसलिए पब्लिक जो है वो इसके सेफ्टी फीचर्स को लेके कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन जो है वो पुश कर रहा है ड्राइवरलेस कार को, इनको वो प्रमोट करना चाहता है और इनको रियल लाइफ में वो लाना चाहता है। तो ये दो लाइन का मतलब है। अब देखिए, यहां पर तो मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, चूंकि ये वीडियो क्लास है। लेकिन जब आप रियल एग्जाम में बैठते हैं और उसको पढ़ते हैं पैसेज को, तो वहां पर आपको फास्ट रीडिंग करनी है और फास्ट रीडिंग करते करते उसको उसको कंक्लूड भी करना है, उसका इन्फेरेंस भी आपको निकालना है, उसका निष्कर्ष निकालना है कि इन दोनों लाइनों का या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो तेजी से पढ़ना ये सबसे बेस्ट इसमें स्ट्रेटजी रहेगी कि आपको फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द कंट्रीज बिगेस्ट कार मेकर जेगुआर लैंड रोवर, जेगुआर लैंड रोवर का नाम आपने सुना होगा, ये इंग्लैंड में हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग विथ ऑटोनोमस कार्स और रोड्स इन द मिडलैंड एंड इज सेट टू डेमोन्स्ट्रेट मोर ऑफ द कार्स फीचर्स इंक्लूडिंग एन इमरजेंसी ब्रेकिंग वार्निंग सिस्टम ऑन अर्बन स्ट्रीट्स दिस वीक। देखिए, कितना लंबा ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जेगुआर लैंड रोवर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है ऑटोनोमस कार की, ऑटोनोमस कार को टेस्ट किया है उसने मिडलैंड में, और वो तैयार है, वो सेट है इसके जो फीचर्स हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ये इसका मतलब है, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम या इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम इसमें डेवलप किया जा रहा है ड्राइवरलेस कार में। गवर्नमेंट बैग्ड ट्रायल्स यूजिंग स्मॉल गवर्नमेंट बैग्ड ट्रायल्स यूजिंग स्मॉल ऑटोनोमस व्हीकल्स इन साउथ लंदन आर ड्यू टू एंड ऑन फ्राइडे
with organizations reporting widespread public unease about the implication for road safety and cyber security. देखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो ट्रायल कर रही थी साउथ लंदन में वो उसने रोक दिए हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से एक वाइड स्प्रेड पब्लिक अनईज का उनको सामना करना पड़ रहा है तो इसलिए उन्होंने ट्रायल्स अपने रोक दिए हैं ये इसका मीनिंग है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ सेल्फ ड्राइविंग उबेर कार. उबेर और ओला का आपने नाम सुना होगा. अ सेल्फ ड्राइविंग उबेर कार किल्ड अ वुमेन इन टेम्पी एरिजोना ऑन संडे नाइट द फर्स्ट टाइम अ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हैज किल्ड समवन दैट वाज नॉट इट्स ऑक्यूपेंट. तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि ब्रिटेन इस तरह की कार्स को प्रमोट तो कर रहा है, इस तरह की कार्स को वो लाना चाहता है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स हैं. जैसे जैसे इसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है. जैसे यहाँ पर एक ये इंसिडेंट बताया जा रहा है कि इसने एक जो उसका ऑक्यूपेंट नहीं था उसको इसने मार दिया. देखिए यहाँ पर द फर्स्ट टाइम ये सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल हैज किल्ड समवन दैट वाज नॉट इट्स ऑक्यूपेंट. सेल्फ ड्राइविंग कार से मतलब ड्राइवरलेस कार से एक व्यक्ति की मौत हो गई जो कि इसका ऑक्यूपेंट नहीं था, जो इसमें बैठा नहीं था. तो इसके नेगेटिव फीचर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं. एलियन हर्जवर्क 49, ये एक व्यक्ति का नाम है, उसकी उम्र 49 है. वॉज व्हीलिंग हर बाइसाइकिल व्हेन शी वॉज स्ट्रक बाय द वोल्वो एंड लेटर डाइड ऑफ हर इंजरीज इन द हॉस्पिटल. मतलब इस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई ड्राइवरलेस कार की वजह से. इस कार ये वोल्वो की कार थी और ये साइकिल चला रही थी एक्चुअली, ठीक है. वॉज व्हीलिंग हर बाइसाइकिल, बाइसाइकिल चला रही थी और इससे वोल्वो से इसकी दुर्घटना हो गई. तो यहाँ पर इसके नेगेटिव फीचर्स और इसके सेफ्टी फीचर्स बता रहे हैं हम लोग. US government safety investigators were sent to examine the crash site and Uber has suspended its test fleet of self-driving car across the US and Canada. ठीक है, तो US ने safety investigators वहाँ पर भेजे साइट पर जिसमें ये व्यक्ति की मौत हो गई थी. US government safety investigators were sent to examine the crash site and Uber has suspended its test fleets of self-driving car. उबेर जो है वो भी सेल्फ ड्राइविंग कार ला रहा है, लेकिन उसने जो टेस्टिंग जिन कार्स के ऊपर हो रही है वो पूरे फ्लीट को सस्पेंड कर दिया है और यूएस ने इन्वेस्टिगेटर्स वहां पर भेजे हैं जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. पुलिस इन एरिजोना सेड इनिशियल वीडियो फुटेज सजेस्टेड हर्जवर्क वॉकड आउट सडनली. देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति की मौत हुई एलियन हर्जवर्क 49 जिसकी एज थी, उसकी डेथ इसलिए हुई दुर्घटना में क्योंकि वो वहाँ से किसी बिल्डिंग से बाहर निकल के एकदम से अचानक से आई और रिएक्शन टाइम उसको नहीं मिला और वहाँ पर जो ड्राइवरलेस कार थी वो टकरा गई और उसकी डेथ वहाँ पर हो गई. तो ये इसका कंक्लूजन है. वन प्रीवियस डेथ इन्वॉल्विंग ऑटोनोमस कार अ टेस्ला मॉडल एस ओनर किल्ड इन फ्लोरिडा इन 2016 व्हेन इस कार क्रैश्ड एंड ऑटो पायलट was blamed on the driver's inattention but investigators highlighted design flaws in the vehicle. मतलब यहाँ पर कुल मिला के हम इसके इन ड्राइवरलेस कार के नेगेटिव फीचर्स बता रहे हैं कि इसमें सेफ्टी का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है. मैनी इन द मोटर एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक्सपेक्ट सेफ्टी बेनिफिट्स फ्रॉम ऑटोनोमस कार सिंस मोर देन 90% ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्व ह्यूमन एरर्स. देखिए जो इंश्योरेंस एजेंसी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं. देखिए जैसे ही ये कार मार्केट में आती हैं तो इंश्योरेंस होगा इनका, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज क्या चाहेंगी कि ये कार सेफ हों, क्योंकि यदि ये कार सेफ नहीं होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे तो इनकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, इनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, क्लेमर्स को. अगर ये कारें सेफ होंगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा इंश्योरेंस एजेंसी का. तो इंश्योरेंस जो इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो दे एक्सपेक्ट सेफ्टी बेनिफिट्स फ्रॉम ऑटोनोमस कार्स, लेकिन अभी इसमें सेफ्टी नहीं है, वो सेफ्टी बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रही हैं. मोर देन 90% ऑफ एक्सीडेंट इन्वॉल्व ह्यूमन एरर्स, लेकिन वो सेफ्टी को एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये इसका मतलब है. चलिए आगे देखते हैं. इन 2016 द लेटेस्ट फुल ईयर फॉर विच डेटा इज अवेलेबल 448 पेडेस्ट्रियन वर किल्ड. 2016 में डेटा के अकॉर्डिंग 448 पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं वो मारे गए थे इसमें. व्हीकल ऑन यूके रोड्स एंड मोर देन 6000 इन द यूएस. यूके में 448 और यूएस में 6000 लोग मारे गए थे.
बट फियर्स रिमेन ओवर हाउ ड्राइवरलेस कार्स विल इंटरेक्ट विद ह्यूमन ऑन द रोड्स. लेकिन अभी भी डर बना हुआ है. फियर्स रिमेन मतलब अभी भी ये डर बना हुआ है, अभी भी ये सस्पिशन बना हुआ है कि ड्राइवरलेस कार जो है वो ह्यूमन से किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगी. क्रिश्चियन वॉल्मर, अब यहाँ पर एक नया करेक्टर आ गया है, ये क्रिश्चियन वॉल्मर द ऑथर ऑफ ड्राइवरलेस कार. क्रिश्चियन वॉल्मर ऑथर है ड्राइवरलेस कार, एक बुक है उसका अ रोड टू नोवेयर, सेड दैट एरिजोना एक्सीडेंट वुड हैव अ बिग इम्पैक्ट. वी डोंट नो प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड बट इट इज क्लियर अवेयर आर वरीड बाय विड्रॉइंग ऑल देयर कार्स. ठीक है, तो ये वॉल्मर का एक स्टेटमेंट है, क्रिश्चियन वॉल्मर का एक स्टेटमेंट है. अवेयर जो है वो सारी कारें अपनी वापस ले रहा है. Driverless cars will not be accepted if there is a perception that they are not 100% safe. Driverless car तब तक accept नहीं की जाएंगी तब तक लोगों का ये perception नहीं बनता, लोगों की ये विचारधारा नहीं बनती कि ये कार जो है ये 100% safe है. ठीक है, ऑफकोर्स न्यू टेक्नोलॉजी हैज blips. अब देखिए blips का मतलब क्या है, सपोज आपको blips का मतलब नहीं पता लेकिन यहाँ पर blips का मतलब निकल रहा है कि इसके negative features क्या हैं, इसका downside क्या है. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी हैज blips बट दिस वन दैट नो वन हैज पर्टिकुलरली आस्क फॉर इज बीइंग सोल्ड ऑन द बेसिस दैट इट इज सो मच सेफर. ये इस बेसिस पे इसको बेचा जा रहा है कि ये सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नॉयल शेयर की इमेरिटस प्रोफेसर, इमेरिटस प्रोफेसर मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सेफील्ड सेड ऑटोनॉमस व्हीकल्स प्रेजेंट अस विद अ ग्रेट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी टू मेक आवर रोड सेफर. मतलब ये सेफील जो हैं ये मानते हैं कि ऑटोनॉमस व्हीकल जो हैं वो सेफ हैं और इसका एक बहुत शानदार फ्यूचर है. बट द टेक्नोलॉजी जस्ट नॉट रेडी येट एंड नीड्स टू मैच्योर बिफोर इट गोज ऑन द रोड. उनको लगता है कि ये कारें तो सेफ हैं लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो अभी रेडी नहीं है इस तरह की कार्स को प्रैक्टिकली मार्केट में लाने के लिए. टू मैनी मिस्टेक्स एंड द पब्लिक मे टर्न इट्स बैक ऑन द टेक्नोलॉजी. मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स इसमें हो सकती हैं और पब्लिक में टर्न इट्स बैक मतलब पब्लिक इससे डिसएग्री कर सकती है इस टेक्नोलॉजी से क्योंकि इसमें सेफ्टी के फीचर्स नहीं है. इन लंडन मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हैव बीन यूजिंग लो स्पीड ऑटोनॉमस पॉड्स ऑन साइकिल पाथ एंड वॉकवेज अराउंड द ग्रीनविच पेनिनसुला एज द कल्बिनेशन ऑफ ए 3-year गेटवे स्टडी इन टू पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी. देखिए छोटे छोटे जैसे जो पाथवेज होते हैं, वॉकवेज होते हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं गार्डन्स में, वहाँ पर कुछ लोग ऑटोनॉमस पॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. छोटी छोटी छोटे छोटे छोटी एक कैब टाइप की हैं छोटी छोटी और उनको उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वहाँ पर, उनको चला रहे हैं. मतलब तो इस तरह की चीज़ें अब आने वाले डिकेड्स में देखी जाएंगी रोड्स पर. ठीक है, एज द कल्बिनेशन ऑफ ए 3-year गेटवे स्टडी. गेटवे एक्चुअली एक संस्था का नाम है. गेटवे स्टडी का जो कल्बिनेशन है, गेटवे स्टडी का जो कल्बिनेशन है उसके उसका रिजल्ट ये आया है कि अब लोग वॉकवेज पर ऑटोनॉमस पॉड्स को चलाने लगे हैं, उसको यूज़ करने लगे हैं. मतलब ये चीज़ थोड़ी थोड़ी हैबिट में आने लगी है. गेटवे सेड दैट अंडर हाफ ऑफ 1300 पब्लिक रिस्पॉन्सेज वर पॉजिटिव अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी. ये यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर का यूज़ किया गया है और इसमें रिस्पॉन्सेज पब्लिक के लिए गए हैं. इसमें 1300 पब्लिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं. With those uncertain or opposed, citing cyber security and road safety fears. मतलब यहाँ पर एक स्टडी की गई है, इसमें 1300 लोगों का जो पब्लिक रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव आया है और बाकी जो लोग हैं वो साइबर सिक्योरिटी या रोड सेफ्टी का इशू इसमें बता रहे हैं. A spokesman said that the lesson is you absolutely have to build in security and road safety from the get go. From the get go मतलब from the beginning. और फ्रॉम द बिगनिंग से इसमें सिक्योरिटी का और रोड सेफ्टी का फीचर इसमें रखना पड़ेगा. द पॉड्स हैव हैड वन रिपोर्टेड कॉलिजन. देखिए पॉड्स का भी एक एक्सीडेंट हो चुका है, जो छोटे छोटे कैप्स हैं उसका भी एक नेगेटिव फीचर निकल के सामने आया है, वो टकरा गया है उसकी उससे उसके थ्रू भी एक एक्सीडेंट हो गया है. हिटिंग अ बैरियर विद द रोड्स मिनिस्टर जेसी नॉर्मन ऑन बोर्ड. जेसी नॉर्मन उसमें बैठ के उसका ट्रायल ले रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो गया पॉड का. He has nonetheless pledged to keep the UK in the vanguard of developing autonomous technology. देखिए vanguard का क्या मतलब निकल रहा है, सपोज इसका मीनिंग नहीं आपको पता vanguard का, तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि रोड मिनिस्टर ने पॉड को टेस्ट किया,
कैब में वो बैठे, उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्लेज किया है कि वो ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी को या ऑटोनॉमस कार्स को, ऑटोनॉमस कार को डेवलप करने के मामले में यूके को आगे रखेंगे, ठीक है, वो इस पर रोक नहीं लगाएंगे और इस तरह की टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे इन द वैनगार्ड, मतलब फोर फ्रंट में वो रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, वो चाहेंगे कि यूके सबसे आगे रहे ड्राइवरलेस कार के मामले में। कंफर्मिंग एन ओवरहॉल ऑफ रोड लॉस टू इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार, ग्रीनविच इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ फोर्ड एंड जेगुआर लैंड रोवर ऑटोनोमस कार्स ऑन इट्स स्ट्रीट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग। ग्रीनविच एक जगह का नाम है एक्चुअली, ग्रीनविच इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ, ठीक है। गैटविक अनाउंस इट वुड बी टेस्टिंग ऑटोनोमस व्हीकल टू शटल स्टाफ अक्रॉस द एयरफील्ड। कुछ मतलब ये एक रिपोर्ट है ड्राइवरलेस कार की, जिसमें कि क्या इसमें हो रहा है, क्या टेस्टिंग चल रही है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग निगेटिव हैं, निगेटिव साइड इसका क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, ये इसमें पूरा बताया जा रहा है। विच इट सेट कुड लीड टू एन उबेर लाइक सर्विस फॉर ग्राउंड स्टाफ टू हेल। जैसे जैसे एयरपोर्ट्स पे जो ग्राउंड स्टाफ होता है वहाँ पर इन कार्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है सारा पूरा पैसेज। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूँ। हाउ वुड द इंश्योरेंस एजेंसीज बेनिफिट फ्रॉम सम ड्राइवरलेस कार्स। देखिए, इसमें कहीं भी पैसेज में ये नहीं बताया है कि इंश्योरेंस एजेंसी किस तरीके से इससे बेनिफिट होंगी। यहाँ पर केवल ये बताया है इस पूरे पैसेज में कि इंश्योरेंस एजेंसी एक्सपेक्ट करती हैं कि ये कारें जो हैं ये सेफर हों, लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी किस तरीके से बेनिफिट होंगी, इंश्योरेंस एजेंसी को क्या फायदा होगा, ये कहीं पर इसमें नहीं बताया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ई, दैट इज डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा पर्याप्त नहीं है इस पैसेज में। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ई। हालांकि इंश्योरेंस एजेंसी का मेंशन है, लेकिन इंश्योरेंस एजेंसी केवल एक्सपेक्ट कर रही है कि ड्राइवरलेस कार सेफ हो, वो बेनिफिट किस तरीके से होंगी ये वहां पर मेंशन नहीं है, इसलिए जो डेटा दिया है वो सफिशियंट नहीं है पैसेज में। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग, व्हाट इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर टू ब्लिप। ब्लिप का क्या मतलब है? ब्लिप का मतलब है इसमें छोटी मोटी कमियां या फ्लिप साइड। तो यहां पर इक्विवेलेंट जो वर्ड होगा वो होगा इंटरप्शंस, ठीक है। एज पर द ऑथर ऑफ द बुक, ड्राइवरलेस कार्स आर रोड टू नो वेयर। ड्राइवरलेस कार्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड अंटिल, ड्राइवरलेस कार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अंटिल दे आर 100% सेफ। बिल्कुल क्लियर आंसर है, इसका आंसर होगा ई। ये IBPS SO का एक पैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द आयरनी इन द केस ऑफ ड्राइवरलेस कार। आयरनी का मतलब विरोधाभास, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा, उससे कुछ उल्टा हो रहा है। तो ड्राइवरलेस कार की आयरनी ये है कि इनको माना गया था कि ये सबसे ज्यादा सेफ कार रहेंगी, लेकिन उसी में सेफ्टी के इश्यूज आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है देख लेते हैं। दे वर सपोज टू बी सेफ बट हैड किल्ड पीपुल, सी इसका आंसर होना चाहिए। द फ्यूल कॉस्ट नहीं, या ड्राइवरलेस नहीं, ये नहीं है, ड्राइवर इज गेटिंग ब्लेम नहीं, इसका आंसर सी है, ठीक है। दे वर सपोज टू बी सेफ बट हैड किल्ड पीपुल, मतलब इनको माना गया था कि ये सेफ रहेंगी, लेकिन इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तो ये एक आयरनी है इसकी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग टू वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब इसका आपका रहेगा फोर फ्रंट, तो कटिंग एज, इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एज पर द पैसेज, वाई डिड द गवर्नमेंट बैक ट्रायल्स इन साउथ लंदन। साउथ लंदन में ट्रायल्स को बैक उसने क्यों किया, मतलब वापस क्यों ले लिया, क्योंकि पब्लिक पब्लिक ग्रीव अनईजी बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन टेस्टिंग सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। एक सेकेंड, नहीं, इसका आंसर पब्लिक ग्रीव अनईजी अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑन रोड सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए, ENA में पब्लिक पब्लिक के अनरेस्ट के बारे में इसमें दिया गया है, लेकिन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि इस चीज का क्लियरली मेंशन है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड द उबेर एक्सीडेंट। उबेर एक्सीडेंट जो हुआ था, एक महिला सामने आ गई थी, वो अचानक से निकली थी, रिस्पॉन्स टाइम कम था उसका, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था
ये है देखिए, द वुमेन सडनली केम इन फ्रंट, कार कुडंट ब्रेक इन सो लिटिल टाइम, ये है इसका, ये मेंशन है, तो इसमें आंसर होगा आपका डी। तो इस तरीके से एक ये पैसेज है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसा पैसेज आपसे पूछा जा सकता है। और सेम ऐसा पैसेज आपसे IBPS PO में, प्री मेंस में, और IBPS क्लर्क एग्जाम में भी ऐसा पैसेज आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।